हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक ऑपरेशन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे अर्थमेटिक ऑपरेशन यूजिंग टू एस कॉम्प्लीमेंट मेथड। आज हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन की अगर बात किया जाए तो अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या हो सकता है, देखिए, या तो ये हो सकता है a प्लस बी हमें आय करने के लिए, या तो सेकंड हो सकता है कि हमारा a माइनस बी आए, जैसा कि स्क्रीन पे मैं बना रहा हूं, आप लोग देखिए, या तो आपके पास a माइनस ए प्लस बी हो सकता है, ठीक है, या आपके पास हो सकता है माइनस ए माइनस बी, यही ऑपरेशन परफॉर्म्ड हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें a और b कोई डेसिमल नंबर भी हो सकता है और ए बी कोई बाइनरी नंबर हो सकता है, और इसको हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करना है यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। जैसा कि आप लोग पूरा क्वेश्चन समझ गए होंगे कि करना क्या है। देखो दोस्तों, हमें ये ऑब्जर्व करना है कि ए के पहले क्या साइन है। यहां पे देखिए, जैसे फर्स्ट ऑपरेशन में देखिए कि यहां पे ए के पहले जो साइन है वो प्लस है, बी के पहले जो साइन है प्लस है, ठीक है, तो ए के पहले इधर साइन प्लस है, इधर बी के पहले माइनस है। सेम इसी को पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। तो आइए सभी के लिए सेम रूल हम बनाते हैं कि इसके लिए नहीं, जैसे का आप लोग मैक्सिमम टीचर जो आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं या मैक्सिमम बुक में जो आपका कॉन्सेप्ट दिया गया है कि अगर देखिए दोनों का साइन सेम होगा तो ये रूल लगेगा, दोनों का साइन डिफरेंट होगा तो ये रूल लगेगा, तो इन सब चीजों से बचने के लिए सभी के लिए हमने सेम रूल बता रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। आप एक बार कंसंट्रेशन से देखिए, आपको कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आप इसको बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी इसमें से ऑपरेशन हमने कहा कि जनरल लिया कि देखिए यहां पर हमने ले लिया विथ आपका विथ साइन, ये देखिए हमने यहां पे लिया विथ, ये देखिए विथ साइन ए कोई नंबर है, ए नंबर हमने ले लिया, ये ए के पहले जो साइन है साइन के सहित हमने इस नंबर को कंसीडर कर लिया। अब देखा इसका हमने क्या कैलकुलेट करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे। इसका क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। इसी तरह विथ साइन आपका आपका बी नंबर लेंगे, साइन का मतलब समझ रहे हैं, ए के पहले जो साइन है वो साइन आपको कंसीडर करना है, जैसे बी के पहले जो साइन है वो कंसीडर करना है, उसको कंसीडर करेंगे। सिमिलरली इसका भी वंस कॉम्प्लीमेंट ले लें, फॉर एग्जाम्पल ए का जो हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो नंबर मान लीजिए कि आ गया ए थ्री ए टू ए वन ए जीरो, वो कैसे, अभी एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझेंगे, अभी जनरल हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि कैसे भी कोई भी ऑपरेशन आएगा उसको परफॉर्म करना है। सॉरी फिर इसके बाद देखिए हमने आपका बी जो नंबर है उसको वंस कॉम्प्लीमेंट इसका लेंगे तो ये आ जाएगा बी थ्री बी टू बी वन बी जीरो। अब इन दोनों नंबर का, जैसे कि आपका ए नंबर विथ साइन बी नंबर का, हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के इन दोनों को ऐड करेंगे। जैसा कि दोस्तों जानते हो कि ये जो नंबर आया है ये भी वंस कॉम्प्लीमेंट में है और ये भी नंबर जो है आपका वंस कॉम्प्लीमेंट में है, तो इन दोनों का एडिशन भी किस में आएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट में एडिशन आएगा, क्योंकि आप लोग इससे फैमिलियर हैं, अगर दो डेसिमल डेसिमल को ऐड करेंगे डेसिमल ही तो आएगा ना भाई, अगर एक डेसिमल और एक बाइनरी नंबर को ऐड करेंगे तो भाई इस तरह से तो एडिशन होता नहीं, दोनों को सेम उसमें लाना पड़ेगा, तो इसलिए नंबर ए का भी वंस कॉम्प्लीमेंट नंबर बी का भी वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद हम दोनों का एडिशन करेंगे, ठीक है। अब एडिशन परफॉर्म करते हैं, ए जीरो बी जीरो को हम ऐड करेंगे तो मान लीजिए कि हमारे पास सी जीरो आएगा, क्या आएगा सी जीरो आएगा, ए जीरो एंड बी जीरो को अगर हम ऐड करेंगे तो मान लीजिए हमारे पास ये नंबर आएगा सी जीरो,
तो सी जीरो लिख दिया। अगर कोई कैरी आता है तो हम कैरी यहां पे सी वन डैश कर देंगे, ये देखिए ऊपर शो हो रहा है सी वन डैश, फिर सी वन डैश ए वन एंड बी वन को ऐड करेंगे, मान लो यहां पे आ जाएगा सी वन आ जाएगा, ये देखिए सी वन आ जाएगा, फिर इसके बाद इसका जो कैरी हो जाएगा ये आपका सी टू डैश आ जाएगा। यहां देखिए आपको सी टू डैश दिख रहा होगा, ये आपका सी टू डैश मान लीजिए आ गया, फिर सी टू डैश ए टू प्लस बी टू को ऐड करेंगे तो मान लीजिए ये सी टू आ जाएगा और फिर से कैरी जनरेट होता है। तो इस कैरी को हम कहते हैं सी इन, इस कैरी को हम क्या कहेंगे सी इन, देखो यहाँ पे हम लिखें और इन सी इन ए थ्री और बी थ्री को ऐड करेंगे तो क्या आएगा सी थ्री, और इस कैरी जो अगर इसमें भी इसके बाद कैरी एक्स्ट्रा आता है तो इसको बोलते हैं सी आउट, ये देखिए सी आउट। अब क्या करेंगे हम आगे का जो रूल है उसमें देखिए हम ये कंसीडर करेंगे कि अब हमें ए ऑपरेशन देखना है, सी इन और सी आउट को हम यहां से देख लेंगे। सी इन क्या है इनपुट कैरी, इनपुट कैरी, और सी आउट क्या है आउटपुट कैरी, इन दोनों का एक्सआर गेट लेंगे। क्या लेंगे एक्सआर गेट, एक्सआर गेट आप लोगों को पता है सेम पे क्या देता है जीरो देता है, और डिफरेंट पे क्या देता है वन देता है। तो अगर जीरो आता है तो नो ओवरफ्लो होगा, जैसा कि मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, फ्लो नहीं हुआ, ओवरफ्लो नहीं हुआ, नो ओवरफ्लो होगा तो हम सी आउट को क्या करेंगे कंसीडर करेंगे, सी आउट को कंसीडर करेंगे, नहीं सी आउट को डिस्कार्ड कर देंगे, इधर देखिए सी आउट को क्या करेंगे डिस्कार्ड कर देंगे, एंड सी आउट को हम इसमें ऐड करेंगे एलएसबी ऑफ आउटपुट रिजल्ट, जो आपका आउटपुट रिजल्ट आया हुआ है ये देखिए, ये जो आउटपुट रिजल्ट आया है ये देखिए, ये जो है इतना आउटपुट रिजल्ट आया है इसके एलएसबी में उसको ऐड कर देंगे। तो देखिए ये जो सी जीरो है यहाँ पे ए एलएसबी है, ये आपका एलएसबी है, इसमें हम ऐड कर देंगे आपका सी आउट को। सी आउट को ऐड करने के बाद जो फाइनल आएगा अब वो आपका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा, क्लियर। तो वो चीज हम यहां पे लिख दिए हैं। अगर मान लीजिए, अगर हम मान लीजिए कि ये हो गया सी इन और सी आउट अगर वन आ गया, सी इन एंड सी आउट अगर वन आ गया तो अगर सी इन सी आउट, अगर सी इन एंड सी आउट ये देखिए अगर वन आ जाता है, क्या आ जाता है वन, मतलब कब आएगा वन जब सी इन सी आउट में से डिफरेंट होंगे तो वन आ जाएगा, तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा, ओवरफ्लो होते ही इट मींस सी आउट को कंसीडर किया जाएगा, सी आउट कंसीडर किया जाएगा। मैं बताया था अगर सी आउट कंसीडर नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट गलत होगा, क्यों, क्योंकि सी आउट ही डिसाइड करेगा ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आउट हो गया है, अगर मतलब जितने बिट का डेटा आपने दिया है उससे बिट से बाहर चला गया है तो सी आउट ही डिसाइड करेगा एमएसबी या साइन बिट को, ठीक है। तो अगर उसको कंसीडर नहीं करेंगे तो यहाँ गलत हो जाएगा, तो उसको जब ओवरफ्लो हो जाएगा तो उसको कंसीडर करना है, जब ओवरफ्लो नहीं होगा तो उसको कंसीडर नहीं करना है। लेकिन दोनों केस में एक चीज करना है कि जो सी आउट है इन सी आउट को ऐड करना है एलएसबी ऑफ द रिजल्ट, जो आपका रिजल्ट है उसके एलएसबी में सी आउट को ऐड कर देना है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको तो और क्लियर होगा। जैसा कि मैं एग्जांपल लिया हूं ए माइनस फोर्टीन प्लस एट टेन और बी माइनस फोर्टीन प्लस माइनस एट, ये देखिए हमने चार ऑपरेशन बताया था, चारों ऑपरेशन को मैं यहाँ पे बना के रखा हूँ, ए ऑपरेशन, बी ऑपरेशन है और सी ऑपरेशन है और डी ऑपरेशन, ये चार क्वेश्चन बनाया। यही पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई, ए प्लस बी हो सकता है, ए माइनस बी हो सकता है, माइनस ए प्लस बी हो सकता है और माइनस ए माइनस बी हो सकता है, तो ये चारों हमने क्वेश्चन बना के रखे एग्जाम्पल में। तो आइए एक क्वेश्चन समझते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं ए पार्ट को डिस्कस करने चल रहा हूँ, इस ए पार्ट को डिस्कस करना है, आप लोग इस पर कंसंट्रेशन बनाइए।
-14 हमने नंबर लिया कि कौन सा लिया, -14 नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जिसको मैं ये देखिए लिख रहा हूं। -14 का हमें वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो मैंने बताया जब भी नेगेटिव नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है तो पहले +14 बनाइए। +14 कैसे बनाइए, 14 का बाइनरी नंबर लिखिए, ये देखिए 14 का बाइनरी नंबर लिखिए और एमएसबी बिट ऐड कर दिए 0, ये +14 हो जाएगा। अब ये +14 चाहे वंस कॉम्प्लीमेंट में हो, चाहे 2s कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे आपका वो साइन रिप्रेजेंटेशन, सभी के लिए सेम होता है, लेकिन हमें तो -14 चाहिए तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो ये 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये देखिए 1 का 0 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, और ये 0 का 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1001। तो ये नंबर देखिए आ गया 1001। ये देखिए मैं जो नीचे इस तरह से कर रहा हूं, ये नंबर आ गया आपके पास 1001, ए नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। सिमिलरली अगर हमें +8 का लिखना है, किसका लिखना है, +8 का लिखना है, +8 का, आज जब प्लस नंबर है तो इसका तो लिखना इतना आसान है कि प्लस जहां भी आ जाए आपको ये देखना है, प्लस आते ही आपको ये देखना है कि आपको ये देखिए +8 आते ही आपको ये कंसीडर करना है कि चाहे वंस कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे 2s कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे साइन रिप्रेजेंटेशन, बहुत आसान है। 8 नंबर का आप वो लिख लीजिए, 8 नंबर है, 8 नंबर का आप बाइनरी लिखिए, तो ये होता है 1000, और एमएसबी बिट ऐड कर दीजिए। तो अगर +8 का चाहे वंस कॉम्प्लीमेंट कहिए, चाहे 2s कॉम्प्लीमेंट कहिए, चाहे साइन रिप्रेजेंटेशन, सेम यही होगा। प्लस के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमने ये लिख दिया, देखिए 0, ये आपका 0100। अब इन पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब इनका एडिशन करना है, एडिशन करना है, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए एडिशन इनका करना है, तो एडिशन कैसे होगा, 1 + 0, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 0 0 आ गया, 0 0 0 आ गया, 0 1 1 आ गया, और देखिए 1 और 0 क्या आ जाएगा, 1 आया। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो मैं बबल बना रहा हूँ, इधर देखिए ये बबल, इसको इस तरह कर रहा हूँ, ये देखिए मैं इसको बबल को हटा देता हूं, नहीं तो आप लोग इसको 0 समझ जाएंगे। तो यहां पे ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये 0, ये सी इन हो गया, और यहाँ पे इमेजिन करो कि यहाँ पे कुछ आया तो नहीं सी आउट, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, सी आउट को 0 कंसीडर कर रहे हैं। तो 0 0 का एक्सक्लूजिंग क्या होगा, 0 आ जाएगा, 0 पे ओवरफ्लो नहीं हुआ, तो यहाँ पे ओवरफ्लो नहीं हुआ तो सी आउट क्या कर दिया हमने, डिस्कार्ड कर दिया। देखिए सी आउट को क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, और सी आउट को ऐड कर दिया एलएसबी में, सी आउट को क्या करूंगा, एलएसबी में ऐड करूंगा, तो 0 ऐड करने पे कोई नंबर में चेंज नहीं होगा। तो ये देखिए सेम जो बच गया, ये जो इतना नंबर बच गया, ये नंबर बच गया, ये फाइनल आंसर है। तो ये फाइनल आंसर में आपका नंबर आ गया 1100001 आ गया, जिसमें ये अब एमएसबी बिट को रिप्रेजेंट करेगा, ये एमएसबी बिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 है, इट मींस आपका नेगेटिव नंबर है, कौन सा है भाई, नेगेटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, इससे हमने डिसीजन ले लिया कि ये नंबर कौन सा है, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है। तो आगे का हमें वंस कॉम्प्लीमेंट इसका करना है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए तो ये 0 हो जाएगा, ये जी 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, -6 नंबर आ जाएगा ये, जो कि एकदम राइट है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया, इस सभी के लिए यही ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आंसर हो गया। अब सोचिए कि सेक्शन बी में हम चलते हैं, सेक्शन बी को ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाते हैं। सेक्शन बी में हमने लिया है -14 -8 को, आपको वंस कॉम्प्लीमेंट से इसका एडिशन शो करना है। तो पहले -14 को कैसे लिखते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को। -14 को आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, मैं आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने ये ले लिया, ये नंबर -14 का ये नंबर है, ये देखिए कैसे आया, मैंने बता चुके हैं। -8 को कैसे लिखेंगे, तो ये नंबर आ गया, इन दोनों का आपने एडिशन करना है। तो 1 1 का क्या होगा, 0 होगा, 1, और देखिए यहाँ पे कैरी आ गया, ये कैरी आ गया,
ठीक है, मैं इसको ये कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग कॉम्प्लीमेंट समझ जाएंगे। तो ये देखिए, ये नंबर आ गया 1, 1 0 और प्लस 0, तो ये इसको ऐड करेंगे तो फिर से 0 आ जाएगा और ये 1 कैरी आ जाएगा। 1 प्लस 1 करेंगे 0 आ जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा। 1 और 0 0 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये देखिए ये 1 आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे कैरी कोई नहीं आएगा, तो इसको इमेजिन कर लो 0 और 1 1 का ऐड करोगे तो 1 0 आएगा और ये सी आउट आ जाएगा यहाँ पे 1, और ये सी इन आ जाएगा यहाँ पे 0। तो सी इन की वैल्यू 0 है यहाँ पे और सी आउट की वैल्यू 1 है। इन दोनों का हमने एक्सऑर गेट लेना है, सी इन अगर सी आउट। इधर देखिए, सी इन अगर सी आउट 1 आ गया, इट मींस ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो हो गया तो दोस्तों, मैं आप लोगों से डिस्कस किया था कि सी आउट उस टाइम कंसीडर होगा, क्योंकि यही साइन बिट रिप्रेजेंट करेगा। अगर सी आउट को कंसीडर नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो सी आउट को कंसीडर कर लेना है। एंड एक और चीज बताया था, सी आउट हमेशा एड करना है किसमें, एड द एलएसबी ऑफ द रिजल्ट। तो जो रिजल्ट आया है उसके एलएसबी में आपको ऐड करना है। ये देखिए, ये पूरा रिजल्ट आया था, ये पूरा रिजल्ट आया था, तो सी आउट यहाँ पे 1 आया है, तो 1 को यहाँ पे इसमें ऐड कर लेना है। तो ये देखिए, ये आ जाएगा, सी आउट को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, ये आपका एलएसबी हो गया और यहाँ पे ये 1 है, तो इसको हमने ऐड कर लिया, तो 0 1 का आ जाएगा 1। फिर फाइनल ये नंबर बच गया, ये नंबर आपका बन गया ये। अब ये नंबर बन गया तो इसमें से अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि ये नंबर है कितना। चलिए तो ये देखिए, अब ये एमएसवी बचा है सी आउट, सी आउट को कंसिडर किया गया तो सी आउट 1 हुआ है। 1 से मतलब ये नेगेटिव नंबर है। तो अब इनका हम हमें ये रिजल्ट जो आया है किसमें आया है, वंस कॉम्प्लीमेंट में है। किसमें है भाई, वंस कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था, किसी भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट का 2 बार वंस कॉम्प्लीमेंट लेने पे नंबर मिल जाता है, या 2s कॉम्प्लीमेंट पे कोई नंबर है तो एक बार और 2s कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो नंबर आ जाएगा कि है एग्जैक्ट नंबर क्या है। तो एमएसबी से हमने डिसीजन ले लिया, ए एमएसबी बिट जो आपको हम बबल किए हैं, ये देखिए ये एमएसबी बिट है, एमएसबी बिट 1 है तो इट मीन्स नेगेटिव नंबर है। अगर ये 0 रहता तो मीन्स पॉजिटिव नंबर है। फिर हमने ये ब्रैकेट बना लिया। अब इसका हमें वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है क्योंकि आगे मैग्नीट्यूड हमें देखना है। तो 1 का क्या हो जाएगा, 0 0 का 1 और 1 का 0, जी ये 1 और ये 1, इनका हमने मैग्नीट्यूड लिया तो ये आया -22। तो ये आप लोगों को एग्जैक्ट आंसर सही आया। सेम इसी तरह से और 2 ऑपरेशन है, आप उसको परफॉर्म करिए, एकदम सेम रूल लगेगा। ठीक है, तो कोई भी ऑपरेशन हो, अर्थमेटिक ऑपरेशन हो, सभी के लिए हमने जनरल मेथड बता दिया। और मैक्सिमम बुक में सभी के लिए सेम साइन पे ये बताया गया है, डिफरेंट साइन पे ये बताया है। मैक्सिमम टीचर इसको बताते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। अगर फिर भी कंफ्यूजन आता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट। अब जैसा कि आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब हम बाइनरी नंबर ले रहे हैं तो बाइनरी नंबर में हमारे पास 2 कॉम्प्लीमेंट आए। कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट। ये देखिए, तो बाइनरी नंबर के अंदर जो नंबर होता है वो मैक्सिमम क्या होता है, अरे बाइनरी नंबर है, इसका बेस कितना है, 2 है, तो इसके अंदर मैक्सिमम नंबर आपको पता है कि 1 1 हो सकता है, तो इसीलिए इसका वंस कॉम्प्लीमेंट बनेगा। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट में बनेगा और फिर इसके बाद 2s कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, 2s कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 ऐड करेंगे एलएसबी में। ठीक है, सिमिलरली अगर ऑक्टल नंबर आपके पास है तो 7s कॉम्प्लीमेंट आएंगे और 8s कॉम्प्लीमेंट आएंगे, क्योंकि ए ऑक्टल नंबर के अंदर मैक्सिमम जो नंबर आता है वो 7 आता है, तो 7s कॉम्प्लीमेंट पहले निकलेगा, फिर वहां से 8s कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए 7s कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 कर देंगे। सिमिलरली इसी तरह डेसिमल नंबर है तो इसमें 2 कॉम्प्लीमेंट बनेंगे, 9s कॉम्प्लीमेंट एंड 10s कॉम्प्लीमेंट। 10s कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए 9s कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हेक्साडेसिमल अगर नंबर है तो 15s कॉम्प्लीमेंट बनेगा और 16s कॉम्प्लीमेंट बनेगा, क्योंकि हेक्साडेसिमल में मैक्सिमम 15 तक नंबर जाता है, अब 15 में एफ 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 है,
क्लियर, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हेक्साडेसिमल नंबर आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। फिर इसके बाद देखिए, इसी को हमने जनरलाइज कर दिया कि अगर हम रेडिक्स आर ले लें, क्या ले लें, आर, तो इसमें दो कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल होंगे, आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट एंड आपका आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट एंड आर्स कॉम्प्लीमेंट। तो यहीं से एक जनरल हमने रूल बता दिया कि आर्स कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना है, क्या निकालना है भाई, आर्स कॉम्प्लीमेंट अगर हमें कैलकुलेट करना है, इक्वल टू हो जाएगा आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट और प्लस वन, एड करेंगे कहां, एलएसबी में। एग्जाम्पल जैसे देखिए, ये 1011101 ये कोई नंबर है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट या 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले नंबर ऑफ बिट देखिए, तो इसमें देखिए नंबर ऑफ बिट कितनी है, 1011101, तो 1 2 3 4 5 6 बिट है, तो 6 बिट में हम 111 लिख लेंगे, 6 बिट का 111 लिख लेंगे, क्योंकि बाइनरी नंबर है तो इसका मैक्सिमम नंबर कितना होगा, 1 होता है, तो इसके अंदर मैक्सिमम नंबर 1 होता है, तो 6 बिट में हम 111 लिख लेंगे। ठीक है, ये देखिए 6 बिट में हमने 111 लिख लिया। अब जो नंबर का हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो नंबर उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ये देखिए आ जाएगा 1 और ये नंबर है 0 और फिर इसके बाद है ये 1 1 और ये है आपका 0 और ये क्या हो जाएगा 1, इसको सबट्रैक्ट कर देंगे तो 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। क्लियर, तो दोस्तों एक चीज समझ में आया, और इसी को हम डायरेक्ट बता दें कि किसी भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए आप सीधे उस नंबर का क्या कर दीजिए, नॉट गेट लगा दीजिए। तो एक रूल, एक जनरल मेथड तो ये है, लेकिन आप बहुत जल्दी शॉर्टकट करना है तो जिसके लिए जो जनरली हर लोग बताते हैं, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि कोई नंबर लीजिए, जैसे आपके पास ये नंबर था, यही नंबर था ना, देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आपका पास था 10 और 11 और 01, ये नंबर था, इसका डायरेक्ट हम नॉट गेट लगा दीजिए तो 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 11 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा 0, ये वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अगर हमें 2s कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे बगल में देखिए मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, ये LSB है, ये क्या है LSB है और ये क्या है MSB है, ये क्या है MSB है, तो LSB में प्लस 1 ऐड कर दीजिए तो इसका 2s कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 है तो ये बताइए क्या आएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, 0 और ये 1 और ये 0, तो इसका ये 2s कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2s कॉम्प्लीमेंट। तो यहीं से एक जनरल रूल समझ में आ गया आप लोगों को, किसी भी कोई भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उस आपका, जैसे फॉर एग्जांपल बाइनरी नंबर था तो पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद उसके एलएसबी में 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 2s कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल नंबर में हम पहले 7s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 7s कॉम्प्लीमेंट और 1 ऐड कर देंगे किसमें, एलएसबी में, तो आपका 8s कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सिमिलरली इन दैट डेसिमल नंबर है तो उसमें हम 9th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 9th कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद प्लस 1 ऐड कर देंगे एलएसबी में तो हमें 10th कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। इसी तरह हेक्साडेसिमल नंबर है तो पहले हम 15th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और प्लस एलएसबी में 1 ऐड कर देंगे तो 16th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब एक चीज ऐसे क्लियर जनरल कॉन्सेप्ट बन गया, क्या बन गया कि आप पहले आर्स माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए और उसमें ऐड करिए एलएसबी में 1 तो आपका मिल जाएगा आर्स कॉम्प्लीमेंट। तो इसी तरह से एक नीचे और एग्जांपल हमने लिया है आपको, जैसा देख सकते हैं एक और एग्जांपल दीजिए, ये देखिए मान लीजिए कोई ऑक्टल नंबर है, इसका आपको 7s कॉम्प्लीमेंट और 8s कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो हमने बताया पहले नंबर ऑफ डिजिट काउंट करिए, क्या करिए नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लीजिए, तो नंबर ऑफ डिजिट देखिए इसमें कितनी है, ये डिजिट आ रही 1 2 3 4 4 टाइम्स 7 लिखिए, ऑक्टल नंबर है तो मैक्सिमम इसमें नंबर 7 7 7 होंगे और इसमें से ये नंबर को सबट्रैक्ट कर दीजिए 7 और आपका हो गया 5 और ये हो गया 6 और ये क्या हो गया 4, ये नंबर को सबट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका पास 3 और ये नंबर आ जाएगा आपके पास 1
और ये नंबर आ जाएगा आपके पास 2 और ये नंबर आ जाएगा 0। ये इस नंबर का सेवेंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, जनरल कॉन्सेप्ट। और इसमें प्लस 1 अगर आप ऐड कर दें एलएसबी में तो आपको मिल जाएगा 8's कॉम्प्लीमेंट। क्या मिल जाएगा? 0, 2, 1 एंड 4। तो ये आपका 8's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, 8's कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली इसी तरह से 9's कॉम्प्लीमेंट का आप देख सकते हैं। 9's कॉम्प्लीमेंट का मैंने 543 नंबर को लिया है, तो 3 डिजिट नंबर है तो 99 आएगा, क्योंकि डेसिमल में मैक्सिमम नंबर कितना आता है, 99 आए। तो 99 में से 543 को, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, मैं क्या कर दिया हूं, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया हूं, तो मेरे पास आ गया 456। ये आपका आ गया 9's कॉम्प्लीमेंट। 9's कॉम्प्लीमेंट में प्लस 1 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल गया, 10's कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली इसी तरह एक हेक्साडेसिमल नंबर लिया हूं मैं, 15's कॉम्प्लीमेंट और 16's कॉम्प्लीमेंट। तो ये कोई नंबर ले लिया मैंने, जैसा कि जानते हो ए कितना होता है, 10 होता है, बी कितना होता है, 11 होता है, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर है। तो पहले इसमें मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं, एफ मतलब 15 नंबर होता है, ठीक है। इसमें से नंबर को सेपरेट कर लिया था, 15 में से 9 जाएगा कितना आएगा, 6 आएगा, फिर 15 में से 10 जाएगा तो 5 आएगा, 15 में से बी जाएगा, बी मतलब कितना है, 11 जाएगा तो 4 आएगा, फिर 15 में से 4 जाएगा तो बी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 11 आ जाएगा, 11 का मतलब बी नंबर। अब ये नंबर को हम ऐड कर दिए प्लस 1, तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। तो ये नंबर आ गया 15's कॉम्प्लीमेंट, और इसी तरह से प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 16 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो आप लोग ये हर चीज समझ गए कि आपको कैसे करना है। आपको मैंने सारा रूल बता दिया, 1's कॉम्प्लीमेंट या 2's कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे आपका किसी कोई भी एडिशन है, आपको यही जनरल परफॉर्म करना है। एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई नंबर ले रहे हैं, ये चीज आप समझ लीजिए, एक इसमें से एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या, ये मैं मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर है, ये देखिए 15 अगर कोई नंबर है, ये डेसिमल में है, आपको -7 करना है और ये भी डेसिमल में है। तो आप जानते हैं 15 नंबर को पहले रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो ये आ जाएगा ये MSB बिट 0 और ये 1111, ये कितने बिट में हो रहा है, ये देखिए, ये आपका 4855 बिट में हो रहा है, ये कितना नंबर में आया, 5 बिट में ये नंबर है, ठीक है। सिमिलरली अगर 7 नंबर को लिखा जाए तो ये बताइए, 7 नंबर को लिखोगे तो ये 111 और एक MSB बिट को ऐड कर दिया जाए 0, तो ये बताइए कितने नंबर में हो रहा है, 4 बिट में आ रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, दोनों का बिट सेम करना होता है, दोनों का बिट सेम करके ही आप एडिशन करेंगे, चाहे 1's कॉम्प्लीमेंट हो चाहे 2's कॉम्प्लीमेंट हो। तो दोनों का बिट सेम करने के लिए दोस्तों आपको एक चीज कंसीडर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आइए इसको समझते हैं। आप क्या करिए, जो भी MSB बिट है, जो भी MSB बिट है उसी को कॉपी कर दीजिए जितने बिट कम है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का ये तो परफॉर्म करके आपको मैं दिखा देता हूँ। चलिए मैंने यही जो क्वेश्चन लिया है इसी को परफॉर्म करते हैं, 1's कॉम्प्लीमेंट में करें या 2's कॉम्प्लीमेंट में करते हैं। तो पहले चलिए इसको मैं 1's कॉम्प्लीमेंट में ही करके आपको दिखाता हूँ, या आपका 2's कॉम्प्लीमेंट में कहेंगे तो 2's कॉम्प्लीमेंट में कर दूंगा। चलिए मैं इसको 1's कॉम्प्लीमेंट में करके दिखाता हूँ। तो पहले 15 प्लस 15 नंबर मैंने लिया, इसका मैं 1's कॉम्प्लीमेंट लूंगा, तो 1's कॉम्प्लीमेंट में लूंगा, तो ये देखिए 1's कॉम्प्लीमेंट इसका क्या आ जाएगा, 1's कॉम्प्लीमेंट इसका आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 15 का 0 और 15 का बाइनरी नंबर कितना होता है, 1111। तो ये देखिए 15 का आपका 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये नंबर पॉजिटिव था इसलिए केवल आपका मैग्नीट्यूड बिट लिख के और एक MSB को ऐड कर दिया मैंने 0। अगर मुझे -7 का 1's कॉम्प्लीमेंट लिखना है, -7 का 1's कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो मैंने आप लोगों को कितना सिंपल मेथड बताया है कि आप क्या करिए, पहले +7 का बाइनरी, पहले +7 का लिखिए। +7 कैसे लिखेंगे, +7 में मैंने कहा कि 7 का बाइनरी नंबर होता है 111 और ये MSB बिट क्या ऐड कर दीजिए 0। तो आप देख रहे हैं इसका कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, ये +7 का है, ये ध्यान रखिएगा, ये +7 का है।
तो इसका कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, वंस कॉम्प्लीमेंट, ये 1000 ये नंबर आ जाएगा। ये आ गया आपके पास माइनस सेवन नंबर है, माइनस सेवन का वंस कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट में ले लिया तो ये नंबर आ जाएगा 1000। अब इसमें क्या करना है कि ये देखिए ये कितने बिट में है आपके पास, 4 बिट में है। और यहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट कितनी बिट की है, आपका दोनों का बिट सेम करना है, तो जो मैक्सिमम नंबर जिसकी बिट आ रही है उतने बिट बनाना है आपको। तो आपको क्या करना है, ये MSB है, इसको कॉपी कर दीजिए उतने टाइम। तो आप लिखेंगे 1, ये देखिए 1 लिखेंगे, और ये 000 ये लिख दिए, और एक बिट कम रह गई, तो यही जो MSB है, ये देखिए ये जो MSB दिख रही है, इसी को कॉपी करके उसी सेम बिट के बराबर कर दीजिए जो हाईएस्ट बिट है, तो और इसको फिर इसके बाद ऐड कर दीजिए। और सारे आगे का प्रोसेस आप लोग जानते हैं कि वही सिमिलर है। चलिए मैं करके आपको शो करके दिखाता हूं। तो 1 यहाँ पे आ जाएगा देखिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0 आ जाएगा, और 1 कैरी आ जाएगा, इधर देखिए 1 कैरी आ जाएगा, और 1+1 तो ये आ जाएगा आपके पास 0, और यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा। तो आप एक चीज यहाँ से ऑब्जर्व करिए कि आपके पास सी इन की वैल्यू 1 आ रही है, एंड सी आउट की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो दोस्तों जैसा कि मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट या जनरल मेथड बताया था कि पहले इनका हम XOR गेट लेंगे, सी इन XOR सी आउट 1 XOR 1, तो ये आ जाएगा 0। इट मींस नो ओवरफ्लो, क्या हुआ, नो ओवरफ्लो, ओवरफ्लो नहीं हुआ। नो ओवरफ्लो के लिए फिर मैंने बताया था यहाँ पे सी आउट को क्या कर देंगे, डिस्कार्ड, सी आउट जो है उसको डिस्कार्ड कर देंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एंड सी आउट को ही, सी आउट जो आया है उसको ऐड करेंगे, किसमें ऐड करेंगे, LSB ऑफ द रिजल्ट। तो ये देखिए यहां से आप कंसीडर करिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये नंबर आ गया आपके पास 0 0 और 1 1 1, ही आया ये देखिए, ये नंबर रह गया और ये नंबर रह गया, ये सी आउट था, तो सी आउट ये है, सी आउट को मैंने डिस्कार्ड कर दिया और ये सी आउट को ऐड कर दिया किसमें, LSB में, ये देखिए। तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा, इसको ऐड करके शो करते हैं, 1+1 ये आ जाएगा 0, और यहाँ पे एक कैरी आ जाएगा, 1 1 0, और यहाँ पे एक कैरी आ जाएगा, 1+1 ये 0 आ जाएगा, और एक यहाँ पे कैरी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो फाइनल ये आंसर आपका बन जाएगा, ये आंसर है, ठीक है। अब इस आंसर को हमें चेक करना है कि ये आंसर कितना है, तो ये MSB बिट है इसका, MSB मतलब 0 है, इट मींस पॉजिटिव नंबर है, और इसका पॉजिटिव नंबर में तो कोई चेंज नहीं होता, आगे का जो बिट है 8 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये +8 नंबर आ रहा है, +8, ठीक है, किससे, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि +15 में से -7 अगर सब्रैक्ट किया जाएगा तो +8 आता है, मतलब 100% ये ट्रू है। तो दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि आपका वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड कैसे अप्लाई करना है, कैसे हो सकता है। आज के लिए, आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।